So what was the struggle? Okay, we can talk about that as well. जो बैग में लेकर आया मुझे आज भी याद है कि the team जिनके साथ मैं काम करता था बहुत अफसोसनाक बात है कि they used to make fun of me कि ओ तू आज भी वही शर्ट पहन कर आ गया. You're getting my point. Okay. So it hurts. बट लेकिन ये उनकी कमजरफी को जाहिर करता था जबकि मैं अपने मैं परदेश में था, मैं स्ट्रगल कर रहा था. आई यूज टू वॉश माई क्लोथ्स विद माय ओन हैंड्स. एक शर्ट से क्या इंसान की पर्सनालिटी जज करते हैं? मैं यही बोलती हूँ लोगों को दैट पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो आपके कपड़े और आपकी गाड़ी देखकर आपको बताएगा कि इनको कितनी इज्जत देनी है. अगर आपके कपड़े या गाड़ी उसके मुताबिक नहीं है then people will judge you, people will label you, people will disrespect. Let me just tell you, aap hi ki baat ko aage badhata hu. Main ek channel ke liye kaam karta tha aur jab main us channel ke liye kaam karta tha to mujhe gaadi chalani nahi aati thi, tab tak maine nahi seekhi thi, to main auto pe jata tha. Okay, main auto pe jata tha. High five though, maine bhi bada auto par suffer kiya. Yeah, so ha main auto pe jata tha. Haan. To jab main utarta tha to wo mere liye barrier nahi khulta tha, gate nahi khulta tha. Wo guards kehte the agle gate se, yahan se nahi, agle gate se jaye aap. जबकि मेरी तस्वीरें उस चैनल के अंदर लगी हुई हैं, बट दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग क्योंकि मैं एक ऑटो से उतर के आया. दे वर लाइक सर अगले गेट तो जाना मुझे. ओके एंड देन उसी चैनल पे व्हेन आई लर्न द कार मैं फिर गाड़ी पे आना, मेरे मुझे सलूट भी होता था, मेरे लिए बैरियर भी खुलता, खोलो 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 खोलो, सर आगे गेट भी खुलते थे और सर कैसे हैं, सर 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 ये होता था. सो ये इतना बड़ा अलमिया और इतनी बड़ी अफसोसनाक बात है. इट्स वेरी सैड कि आपको जाके आप किसी मीटिंग पे जाते हैं तो आपको गाड़ी की चाबी रखते हैं, फिर आप वॉलेट रखते हैं, फिर आप अपना फोन उल्टा करके रखते हैं ताकि वो पता लगे कि कौन सा फोन है. तो हम एक बहुत बहुत तारीख दौर में हैं जिसमें हमें मटेरियलिस्टिकली एक दूसरे को बताना पड़ता है. हम उस कपड़ों के पीछे का बंदा नहीं देखना चाहते. हाँ. हम उस खाल के अंदर की रूह तक नहीं पहुंचना चाहते. हम उसके ऊपर के तन का लिबादा देखते हैं, फिर उसकी गाड़ी देखते हैं, फिर उसकी चाबी देखते हैं, फिर हम उसको जज करते हैं. एब्सोल्युटली जो आपने बात बोली, थैंक यू आपने ये बात बोली है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट इंसान को ना ये चीज़ें जो होती है आपके जो स्ट्रगल फेजेस होते हैं यू शुड एक्चुअली शो इट ऑफ. ठीक है, आई ट्रैवल्ड इन रिक्शाज एंड आई स्टिल कॉल माई रिक्शाज अ रोल्स रॉयस की आर होता है. सो इन दैट वे आई थिंक दैट हर इंसान को ये चीज़ें देखनी पड़ती है. Oh, yes. एक बेहतर इंसान बनने हम के सब लिए. अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं. Yes. हम सब अपने हिस्से और किसी पे कोई एहसान नहीं होता. कभी अपने आप पे रहम मत खाइएगा, अपने आप पे तरस मत खाइएगा कि मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. माय मदर यूज टू से द होल फैमिली सारे बच्चों को बिठा के कहा करती थी कि अगर मोशन कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये इतना लाडला, इतनी बहनों के बाद का ये बेटा और ये इतना पैम्पर्ड था. यू नो कितनी बहनें, अगर माय टू एल्डर सिस्टर्स ना, तो उनके और मेरे बीच बड़ा गैप रहा और फिर यू नो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद आई केम इन दिस वर्ल्ड. फिर यही होता है ना, जब गैप बहुत होता है तो इट्स लाइक द मदर एंड देन द सेकंड मदर एंड देयर थ्री थ्री मदर्स ऑन देयर हेड. मेरी चार माएं हैं बेसिकली. One, my mother who passed away, and then my elder sister, और सबसे importantly my खाला माँ जिन्होंने adopted me and she raised me up. बोल entertainment के shows देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें और bell icon पर click करना ना भूलें.